जैन संघ साझा ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश का की शिकायत। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा जैन मुनियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जैन संघ साझा ने SDM को सौंपे ज्ञापन। बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा गुंडरदेही बालोद में बंद के दौरान जैन संघ के धर्मगुरुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती थी, जिसके विरोध में प्रदेश के सभी जिलों व तहसीलों में निवासरत जैन समुदाय के लोगों ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए SDM कार्यालय व थानों में ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर साझा के जैन संघ में भी अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपे। उक्त विरोध प्रदर्शन में नगर साझा के समस्त जैन संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जैन संघ के कमलेश जैन व योगेश बगरेचा ने कहा है कि इस प्रकार किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ अपशब्द कहना गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं व कार्रवाई की मांग करते हैं। कल जो अमित बघेल के द्वारा गलत टिप्पणी दी गई जैन साधु संत के उसमें, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं तथा उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। आप क्या हैं अभी जैन समाज में? मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का। छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में जहाँ पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष के द्वारा, जो कि जैन समाज बहुत ही अहिंसा प्रिय समाज है, और उसके साधु संतों के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई है गुंडरदेही बालोद में, जो भी इनका आह्वान था बंद का, उसके तहत उन्होंने जो भी अभद्र टिप्पणी की है उससे जैन समाज बहुत आहत है, और हम उनके इस टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं तथा समाज की ओर से, साझा जैन श्री संघ की ओर से, हम पूरे समाज की महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग सब ने मिलकर साझा थाने में उनके खिलाफ आवेदन दिया है। अभी प्रदेश स्तर पे इसको होना है, अभी स्थानीय स्तर पे दिया जा रहा है, फिर जिला स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे।